स्वागत है दोस्तों रेल फैंस आसाम यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं बहुत ही रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट के बारे में। जी हां दोस्तों, एक छोटा सा रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट के बारे में आप लोगों को मैं इस वीडियो पर बोलने वाला हूं। तो दोस्तों प्रीवियस जो कि मैंने वीडियो अपलोड किया था अबाउट दी जागी रोड से लेके तिल हाईबरगांव तक जो कि है लोको ट्रायल हुआ था, तो उस वीडियो में मैंने बोला था जो कि धर्मतुल टीएसएस से लाइन चार्ज किया गया था। एक्चुअली उस वीडियो में मैंने ये बात गलत बोल दिया था, क्योंकि पिछले जो कि लोको ट्रायल था तो उस लोको ट्रायल को करने के लिए एक्चुअली लाइन को चार्ज किया गया था फ्रॉम कामाख्या टीएसएस से। जी हाँ दोस्तों, कामाख्या टीएसएस से इसको चार्ज किया गया था। तो दोस्तों एक छोटा सा ही गलत इन्फॉर्मेशन चला गया था उस वीडियो में, तो अभी इस वीडियो में मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ। और साथ ही कल ही ऑन 15th October को जो कि सीआरएस इंस्पेक्शन किया गया है फ्रॉम जागी रोड से लेकर टिल हाईबरगांव सेक्शन पर। जी हाँ, फ्रॉम जागी रोड से लेकर टिल हाईबरगांव के बीच में अभी जो कि है हम लोग को बहुत ही कम दिनों के अंदर में जो कि है गुड्स ट्रेन वगैरह देखने के लिए मिलेगा विथ ई लोको, विथ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ पैसेंजर सर्विसेज हो या गुड्स सर्विसेज जो कि है, तो हम लोग को बहुत ही कम दिनों के अंदर में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है। और मैं अभी आप लोग को इस वीडियो पर फोटोज़ और साथ ही जो कि वीडियोज़ वगैरह है तो आप लोग को अच्छे से आप लोग को दिखाऊंगा ऑन स्क्रीन। और साथ ही आप लोग इस वीडियो को एकदम लास्ट तक वॉच कीजिए और आप लोग पूरा वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ताकि आप लोग को छोटे से छोटे जो कि इन्फॉर्मेशन है, यानी जैसे कि कौन से लोकोमोटिव के साथ जो कि है इंस्पेक्शन किया गया है। तो दोस्तों पहले मैं अभी बोल दूँ तो WAP-7, जी हाँ, हावड़ा स्टेट का जो कि WAP-7 लोकोमोटिव है, तो इसके द्वारा जो कि है लोको ट्रायल किया गया है। और साथ ही एक EMD लोकोमोटिव भी था साथ में, जो कि ई लोको को जो कि HBN तक जो कि है पीकी बैक करके लेके गया था। तो दोस्तों डे टाइम में जो कि है कल, तो CRS ने कुछ चेक किया और उसके बाद जो कि है रात को फ्रॉम HBN यानी हाईबरगांव से लेके JID यानी जागी रोड तक लोको ट्रायल हुआ है। तो ये जो कि लोको ट्रायल है तो कल रात को ही लोको ट्रायल किया गया है। तो एक्चुअली जो कि फंक्शन था CRS का, जो कि ये फंक्शन था, तो ये सुबह से एक्चुअली मॉर्निंग टाइम से स्टार्ट हो गया था और रात को जो कि है फुल कम्प्लीशन होने के बाद, जो कि इंस्पेक्शन कम्प्लीशन होने के बाद जो कि है फुल जो कि एक्चुअली ई लोको ट्रायल है, ई लोको ट्रायल को रात को किया गया है, जो कि CRS भी मौजूद थे इस लोको ट्रायल पर। तो इसी के साथ हम लोग को एक ग्रीन सिग्नल मिल गया है नेट जीरो कार्बन एमिशन करने के लिए, जो कि टारगेट है फ्रॉम अप टू 2030 तक। तो ये बहुत ही कम दिनों के अंदर में जो कि है कंप्लीट होने जा रहे हैं। और NFR सेक्शन जो कि है 2024 टारगेट लिया गया है फुल जो कि 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए। तो देखते हैं दोस्तों कामयाब होता है कि नहीं ये बात। दोस्तों अभी फ्रॉम जागी रोड से लेकर टिल हाईबरगांव तक जो कि है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ जो कि है ट्रेन चल सकेगा दोस्तों, पैसेंजर हो या गुड्स हो। तो यही एक छोटा सा अपडेट और आप लोगों ने जो कि ऑन स्क्रीन आप लोग को मैं दिखाना चाहूँगा जो कि वीडियोज़ वगैरह है और साथ ही इमेजेस वगैरह है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट दूसरे वीडियो पर। बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा अपडेट आ रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कि अपडेट आ रहा है अबाउट दी इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट के बारे में ही आ रहा है दोस्तों, जो कि डिपोर बिल साइड का जो कि यानी आजारा सेक्शन का जो कि है इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट वगैरह मैं लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियोज़। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।